बहुत बड़ा लखन के साथ एक प्रैंक होने वाला है। आज मैं आई हूँ अपने लिए ज्वेलरी देने के लिए 20 लाख का। तुमसे दिखाया था, तुमसे दिखाया था, तुमने बोला हाँ ठीक है, तुम्हें मजाक लग रहा था ना मैं नहीं लूंगी। ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। और आज सुधीर घर पर नहीं है, आज है पितरों की पूजा, लास्ट श्राद्ध है आज, तो वो भी गया है और वो नहीं है, इसलिए काम थोड़ा सा बढ़ गया है घर पर। और पता क्या होता है, जितने भी आप वर्क हाउस हेल्पर रख लो, जितने भी रख लो, आपको कम ही लगते हैं। मतलब मेरे केस में तो यही हो रहा है, क्योंकि अभी काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा टीम बढ़ रही है, तो उनके खाने का सबका हम लोग करते हैं। और ये देखो प्यारे बच्चे को, ये लो ये लो ये लो। सुबह सुबह हम लोगों ने 5 बजे योगा करी है, मैंने योगा करी है 5 बजे। और 5 बजे योगा करने के बाद मैं आई हूँ, अब खाना लेके हम लोग जाएंगे, कल दूध ख़त्म हो गया था बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि हमारा रूम ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट क्या रेडी ही है, बस चेयर मैं आज लेने जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ आज मैं, तो कल हम आपको अपना रूम टूर दिखाएंगे, जो कि मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से बनवाया है उसको, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, पिंक 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 कैसा बनाया, पिंक पिंक पिंक। वैसे मेरे को पिंक पसंद नहीं है, बट पिंक एंड वाइट का ट्रेंड चल रहा था इसलिए मैंने पिंक बनाया है, वरना मैं ब्राउन बनाती, बिकॉज आई लव ब्राउन। इसको देखें जरा कैसे खा रहा है। गुजी जाने वॉक करने, इसको भी वॉक करने लेके जाना है, ए गिर जाएगा। डॉग्स को भी खाना खाना देने जाना है, अब देखो ये खा लेगा। हो आपका खा लिया ब्राउनी, आपका खा लिया, ये रहा कुत्तों का खाना, कल दूध नहीं मिला था ना छोटे गाय, ऐसे डब्बे पड़े पड़े, मतलब क्या बोलूँ मैं। लखन के अभी तक ये लिए हैं लखन ने, और अभी तक इनमें से एक भी चीज़ ओपन नहीं करी है। यही होता है जब ज़्यादा सामान ले लिया जाता है ना, तो यही होता है। बाकी स्टारबक्स में हम लोग गए थे, जिन्होंने ये दिया था मुझे, enjoy your day, big fan of your नीतू, तो ये मुझे स्टारबक्स में दिया था। वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ स्टारबक्स की, बट स्टिल उन्होंने मुझे ये दिया था, बहुत ही प्यारा सा सिपर, थैंक यू स्टारबक्स। क्योंकि आज है सैटरडे, सारे पिजन उड़ गए मेरी आवाज़ सुन के, आज है सैटरडे एंड आज जाएंगे कपड़े गिव अवे में। सैटरडे को बहुत अच्छा माना जाता है यू नो देना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर चीज़ मैं सैटरडे को दूँ। तो सारे कपड़े इस कट्टे के नीचे वाले कट्टे के, ये कट्टे के, ये तीनों आज जाएंगे आप सभी के पास, जिनको भी मैंने पिक किया था। तो बस आप जो भी पहनोगे मुझे एक बार टैग कर देना, मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे लग रहे हैं, मैं कहीं पोस्ट नहीं करूँगी, बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी। सुबह सुबह खाते हैं ये बाजरा, बहुत ही आराम से। पहले तुझे पता है कल दूध ख़त्म हो गया था घर पर, दूध नहीं था, वो पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं सब बंद करवा दी, ये प्यारी शॉप थी ये, इन लोगों ने बंद करवा दी फाइट की वजह से, कि दूध जाता है कुत्तों को ये वो, तो उस शॉप में जल्दी ख़त्म हो जाता 6 बजे। गबरू लोगों के लिए मैं ये वाली ट्रीट्स लेकर आई थी, तो अब ये दूंगी, देखते हैं उनको पसंद आती है या नहीं आती। ले आया छोटे खाना, दो दो थाले। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़, सूर्य देव को नमस्ते करो सुबह सुबह, और इनको ये पसंद ही नहीं, बहुत ही पसंद आई है, दो दो दे दी है, बहुत ही बड़ी बड़ी। अगर तुम दोनों को, स्पेशली तुम दोनों को उल्टी हुई, ये तो प्यारा है, तो बहुत मारूंगी। है सैंडी खा रही है वो, बहुत डरपोक है वो। अब बारी है मेरे डांस की, लखन आ जाओ, यार आ जाओ यार, तो मैं डांस की प्रैक्टिस करूंगी। अरे कुछ आप भी करोगे मम्मा साथ? यहाँ पर डांडिया की तैयारी, और डांडिया की तैयारी नहीं, क्योंकि मुझे अपने लिए शूट करना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग शूट होने वाला है मैंने उसका। भैया हमने आधा सीख लिया ना आज, काफ़ी हद तक सीख लिया है, अब 2 दिन और हैं हमारे पास, उसके बाद 17 को हमारी फाइनल शूट होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हे गाइस, तो मैंने डांस की प्रैक्टिस भी कर ली है, और मैं चाह रही हूँ कि लखन भी डांस करें, एंड हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि आज है श्राद्ध का आखिरी दिन, और आज के दिन वैसे तो डेली लखन पूजा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो आज लास्ट श्राद्ध का दिन है। आई होप आप सभी ने दिया होगा, कुछ बाहर जाके बंद हो चुका है, तो हम भी देंगे आज, वैसे तो डेली हो रहा है लेकिन आज लास्ट है इसलिए। गुजी तुम्हें बाहर भेजता कौन है बेटा, आओ अंदर चल, आ जाओ, आओ, आ जाओ। शिट, ये तुषार लेकर आता, पिस्टल ही दब गए। एंड एक अच्छी चीज़ ये है, एक और गुड न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वो लखन ही बताएंगे, क्योंकि वो लखन की चीज़ है, मैंने तो आपको अपना बता दिया मॉर्निंग में, बट अब जो न्यूज़ आई है वो लखन बताएंगे। काम कर ले कुछ, नमस्कार, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स, मेरे से सभी बड़ों को बहुत प्यारा सा नमस्ते, और छोटों को बहुत सारा प्यार। सुबह की शुरुआत पूजा हो गई है, नहा लिया हूँ, बहुत जल्दी उठ भी गया था। ये एक स्पेशल तरीके का दलिया बनवाया है नीतू ने, ये ड्राई दलिया है सॉल्टी, और इसमें वेजिटेबल्स भी डले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में ये विद बटर मिल्क। गाइस आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आज मैं इतना तक खुश हूँ
क्यों हूँ वो तो आप लोग भी हो गए जिस दिन आपने मैच देखा होगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली क्योंकि मेरा आज अपॉइंटमेंट 2 बजे का था। मैंने कहा नहीं भाई 2 बजे मैं मैच देखूंगा, मुझे 11 बजे का अपॉइंटमेंट दो ताकि मैं मैच के टाइम पर घर आ जाऊँ वापस। वैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में ना मेरे को इंडिया की बैटिंग देखना ज़्यादा मज़ा आता है, उस टाइम अच्छा लगता है देखना। बात तो सही है। नितारा बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय बेटी। बेटी पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं। ठीक है मैं भी यार ये साइज में बड़ा होता जा रहा है, पता नहीं तेरे को बड़ा नहीं होगा वो बच्चा ही रहेगा। मतलब यार मैं चाहता हूँ छोटा सा ही रहे, छोटू से कितना चुलबुला सा हो गया है, अभी हक करके सोने लगा है वैसे धीरे धीरे, वरना इसको बिल्कुल आज नहीं गोदी में नहीं टिकता बिल्कुल भी है। ये देखो ऐसे काटने लगता है, सच में बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। करो बाय, करो बाय, करो तो पापा को बाय बाय। बाय बाय बेटू, मिलते हैं, सी यू इन द इवनिंग, बाय। लगन निकल चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं जा रही हूँ दिल्ली। मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैं करवा चौथ की ज्वेलरीज लेने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी हैवी हैवी ज्वेलरीज लेनी है और एक बहुत बड़ा प्रैंक भी करने वाली हूँ लगन के साथ। पूरे ब्लॉग का एंड तक देखना ओके। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से और मैं खा रही हूँ ये क्रैक जैक बिस्किट, मेरे फेवरेट है। और आप मेरे भाई का स्ट्रगल देख सकते हो कैसे कैसे ब्लॉग शूट कर रहा है भाई। तू ना हो तो फिर कुछ ना हो, सच में। तो हमें आज ब्लॉग की ड्यूटी मिली है कि आज पूरा ब्लॉग कवर करना है, और लखन को नहीं पता कि किस तरीके से कवर होने वाला है ना भाई, बहुत बड़ा लखन के साथ एक प्रैंक होने वाला है। जैसे कि हम सबको पता है आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं तो इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी खेलने आता है तो मैं उसके लिए हर मैच में एक्साइटेड होती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो। सो मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट मार्केट साउथ एक्स में और यहाँ पर मैं बहुत बड़ा प्रैंक करने वाली लखन के साथ, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रैंक नहीं है, आज मैं आई हूँ अपने लिए ज्वेलरीज लेने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि करवा चौथ आ रहा है तो मेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ है तो कुछ अच्छा लेना बनता है। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा है ना, बहुत ही सीधा साधारण सा, बट ये लग सुंदर है, मुझे हर चीज़ की अच्छी लग जाती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी सुंदर सुंदर अपने लिए चेन, और मैं ऐसे दिखाऊंगी बाद में कि लखन ने मुझे गिफ्ट किया है। देखो भाई करवा चौथ है और कुछ हैवी पहनना बनता है, तो मैं देख रही हूँ अपने लिए ये कम से कम आज मैं लेकर जाऊंगी 20 लाख की ज्वेलरीज यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो कैसा लग रहा है सैंडी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी है ना, ये भी पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें ये सुंदर लग रहा है ना वो तो सब बताएंगे, इसका प्राइस वो बता रहे हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं सोच रही हूँ लगन से बोलूँ यही गिफ्ट देने को। तो गाइज मैंने अपना सारा काम निपटा लिया जिसके लिए मैं नोएडा आया हुआ था, और मुझे बेताबी है कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ क्योंकि मेरे को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इनिंग स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान की, बट नेवर टू लेट, जाके पूरा मैच स्टार्ट करना है। और अब मैं टीवी के आगे से हटूंगा ही नहीं एक मिनट के लिए। मोमेंट ही ऐसा है यार, वर्ल्ड कप मैच इंडिया पाकिस्तान, लास्ट टाइम मुझे याद है जब इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, तो मैं और कीर्ति हम दोनों ने बैठ के देखा था, वो था मैनचेस्टर में, लंडन कह रहा हूँ सॉरी इंग्लैंड, और मज़ा आया था इतना। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया था उस मैच में, रोहित शर्मा ने बहुत डेडी 100 बनाया था उस टाइम। तो आज उम्मीद करते कि दोबारा से कुछ ऐसे ही एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिले, फिर से रोहित शर्मा या विराट कोहली 100 बनाए, दोनों ही बनाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हाय बेटू, हाय बेटू, आपका भाई भाई का है भाई आपका, आ जाओ आ जाओ, अरे ये आया, अरे वाह शैतान मास्टर। तो आज मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, इतने सारे बैट्स हैं, ये सब वो हैं जो गिव अवे में मैं देने वाला हूँ सामान, अब बांटने वाला हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स को। एक इसके अंदर पूरा किट भर के सामान है, एक इसके अंदर पूरा किट भर के सामान है, लेकिन इसके अंदर जो है वो मेरे यूज़ का है अभी, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, मेरे प्रेफरेंस का है। ये सारा वो है जो एक तरीके से अब मैं यूज़ नहीं करता, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है ये। अभी अभी मैं लेकर आया हूँ अपने लिए 2 पेयर शूज़ के, और इसमें क्या है, ओके इसमें एक शर्ट है, वो किसी ने नीतू को वो भेजा है कोई पार्सल, आई डोंट नो इसमें क्या है। इसमें एक पुलोवर टाइप का कुछ है, हाँ इसमें 3 लाया हूँ मैं, जॉगर्स हैं वो नए तरीके के, आपके ढूंढने आए हो यहाँ। और पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हो हम बहुत सारा सामान भिजवाते हैं, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो कुछ भी हो, हमें लगता है कि यार हमारे यूज़ में नहीं किसी और के यूज़ में आ सकता है, तो हम इसलिए भिजवाते हैं। और आप लोग हमारी फैमिली हो ना, फैमिली में ऐसा चलता रहता है। आ जा रुचि मैच देखेंगे इंडिया पाकिस्तान, आ जा देखो एक पर उठा कैसे देखता है। आज मुझे मैं नीतू बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही जल्दी चला गया था, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला नहीं। इनफैक्ट आज मैंने उसको कॉल करा, वो सरप्राइज हो गई होगी, मैंने कॉल करके बोला नहीं तो मुझे तेरी याद आ रही है, ऐसा होता नहीं है, आज हुआ तो मैंने आज कॉल कर भी दिया। तू सही है, वो दूसरा वाला तो मुद्दत है बेड पे, तू सही है बेटा, बैठा रहे। सुंदर लग रहा है सैंडी, मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ खुद को भाई, मिरर भी 14 लाख बस मेरे को तो 20 लाख मैं अपने आप को तो देख लूँ, वाह लग तो भाई सुंदर है ये।
वैसे भी आज मैं बिल्कुल आंटी बनी हुई हूँ यार। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। लखन को वीडियो कॉल करते हैं, अब देखते हैं कि लखन की क्या रिएक्शन होती है। लखन, तुम मुझे कह रहे थे ना कि करवा चौथ पर तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने फाइनल कर लिया, ये सेट है हार। हार? गले का हार, ये देखो यहाँ पर। गले का हार नहीं है, ये मेरी भी हार है, तो इसको रहने दे। और ये देखो, ये एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, और भी दिखा दीजिए अच्छे से। अच्छा, वाह भाई वाह, ये तो बड़े एक्सपेंसिव से लग रहा है। ज्यादा नहीं है। और देखो, पहला करवा चौथ है तो तुम्हें कुछ अच्छा देना चाहिए ना, तो कम से कम एक लाख, कम से ये तो देखो 14 लाख, 14.5 लाख, 14.5 लाख, ठीक है। मैं कम से कम देख रही हूँ 20 लाख का। 20 लाख का? इनको एक बार पूछ ले कोई जॉब वैकेंसी है, मैं वहीं चला जाऊंगा उसी दुकान पे। फिर ज्यादा नाटक मत करो, समझे, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पर। फोन रखो, ये तो बहुत सस्ता है, ये मेरे बजट में नहीं है, क्योंकि मेरे बजट में 20। और ये है बहुत ही, एक और बहुत ही प्यारा सा सेट, बट इसकी जो लुक है ना वो कुछ अलग ही है और काफ़ी हैवी है। मुझे ऐसे ही पसंद है गले में पहनना। आप शादी में देखोगे मेरा, मैंने जो अपनी मेन चीज़ में पहना था वो मैंने इतना ही, मैं काफ़ी हैवी था वो तो, बट मैंने ऐसे ही पहना था। एक नेक्स्ट आया है ये, कितना ये भी प्यारा लग रहा है, ये देखें, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके झुमके, वाओ, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे पंजाबियों के होते हैं ना। देखो, दो तो मैं नहीं ले रही, अभी एक ही ले रही हूँ। अब तुम्हें पिक करना है कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला। इन दोनों में से मैं एक ले रही हूँ, इन दोनों में से मैं एक ले रही हूँ, ये वाला या फिर ये वाला। इनमें सस्ता कौन सा है? सस्ता तो कोई भी नहीं है, ये 10 लाख है या 12 लाख है, वो 18 लाख है, वो 12 लाख है। पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, ये पक्का 20 लाख का ले रही हूँ, 20 लाख तक का, ठीक है। लेकिन मैं ले रही हूँ, मेरे को फोन आ गया किसी का, ठीक है। तो मैं, गाइस, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा मैंने कौन सी ज्वेलरी डिसाइड करी है, और मैं ले रही हूँ और लखन को दिखा रही हूँ। घर में जाके देखेंगे लखन के क्या रिएक्शंस होने वाले हैं, क्या कैसे बवाल होगा घर पर, अब घर जाके पता चलेगा। तो ये रहे मेरे सुई धागा के झुमके, अभी मुझे किसी के लेने नहीं पड़ेंगे, अभी पहना के पूरी लुक दिखाती हूँ मैं आपको। तुम मांग के नहीं पहने, मांग के ये है मेरे जो मैं अभी ले रही हूँ, ये है पूनम दीदी के, तुझसे बड़े हैं मेरे, अभी देख ले। अब वो मेरे हो गए, ये आंटी जैसे तो नहीं लग रहे, ये आंटी जैसे लग रहे हैं यार, ये तो मम्मी टाइप है। तो बनवा लेना, ऐसे बन जाएंगे, क्यों बनवा लूँ जब ये है मेरे पास। तो भाई हमने शॉपिंग कर ली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा पहला करवा चौथ है, मेरा पहला करवा चौथ है, और मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगनी चाहिए हूँ एक न्यू ब्राइड की तरह, इसलिए मैंने ज्वेलरीज ली हैं। और ये रिंग तो मैंने बहुत पहले ले ली थी, बहुत ही सुंदर है रिंग। तब टाइम हो गया निकलने का, यहाँ से अंधेरा हो चुका है और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है, और इंडिया का मैच चल रहा है, सब जगह खुशियों का माहौल है और सबको लग रहा है कौन जीतेगा। मैं घर पर आ गई हूँ, मेरे ज्वेलरी का बिल लखनऊ को दिखाना है, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी उसके बाद अपनी ज्वेलरीज दिखाऊंगी। मैं आ गई हूँ और मैंने अपनी ज्वेलरीज ले ली है, अब मैं लखनऊ को दिखाती हूँ। थोड़ी सी दिल में धक-धक हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। कुछ मां गई और देखो क्या लेकर आई है अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। लखन, तुम क्या कर रहे थे? मैच इंडिया जीतने वाली है बस। इसको देखो, इसको लग रहा है इसके लिए लेकर आई हूं। आ जा बेटू, इसके लिए टॉय लेकर आई होगी ना तुम। तो मैंने उन्हें दिखाया था सबसे पहले है ये बिल, ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सब देख रहे हैं, ठीक है, पहले तो अच्छा फेस बनाओ। पहला करवा चौथ तो तुम मुझे गिफ्ट दे रहे, तो सोचा कि मैं खुद से गिफ्ट ले लूं, कुछ मम्मा का ही है, आपका नहीं है। बात तो सही है, अब तुम ऐसे दिखा देना नेक्स्ट ब्लॉग में। करवा चौथ तो हमारा है ना दोनों का, फास्ट तो तुम नहीं रखोगे ना, फास्ट रखोगे तुम? मैं एक नई गाड़ी ले आऊं, कैसे लेगा तेरे को? अभी तो तुमने ली है नई गाड़ी, देखो वो गाड़ी मेरे को तो पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हें पसंद थी इसलिए मैंने हाँ बोल दी। हम दोनों की पसंद से आई ना वो गाड़ी, किसी थर्ड पर्सन की तो पसंद नहीं है। ये तो मेरी पसंद से नहीं आया। नहीं, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाया था ना मैंने। दिखाया तो मैंने तेरे को बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन जो हमारे बजट में थी हमने वही गाड़ी ली। क्यों, बजट में बाकी भी तो थी। देखो गाइस, ये होता है जो हम दोनों के बजट में होता है ना, हम वही चीज करते हैं, वही चीज लेते हैं, हम किसी से हेल्प नहीं लेते, ठीक है। इसमें मैंने किसी से हेल्प नहीं ली क्योंकि ये मेरे बजट में थी ये ज्वेलरीज। कितने की लाई है? कितना बताता हूँ तुम्हें, 20 लाख बोला था ना, 10 वाला बोला था तुम्हें, 10-10 के दो नहीं बोले थे लगन, यार ऐसे मत करो। दो लेकर आई नहीं तो क्या हो गया लगन? मतलब मैं, मेरी फर्स्ट करवा चौथ, रक्षाबंधन कह रही थी, थोड़ा उधर तो हो, मुझे तो बैठने का स्पेस दो, बैठ। हमारी फर्स्ट करवा चौथ है तो तुम्हें तो अपने दिल से देना चाहिए था कि बता तेरे को क्या चाहिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ देने से तो रहे, देखो 10 तुम्हारी तरफ से, 10 मेरी तरफ से, दिखा दूं? अभी देखा ही होगा, अभी एक मैंने किसी को दिखानी। अरे यार तुम्हारे तो फोन 36 है,
वाओ। आंखें बंद करो। अरे यार देखना ही तो है। ये है गाइस जो मैंने आपको दिखाया था माता वाला। माता वाला क्या सेट? अच्छा इसमें गॉड माँ बनी है ना। तो 20 लाख यार। ये नहीं है तो 10-12 लाख का है। फिर तो 22 के हो गए टोटल। ये 12 का वो जो 8 का वो है। ये देखो ये पंजाबी बुंदे एंड अलचोई पकड़ना। ये है पूरा सेट हमारी 15 दिन की यूट्यूब इनकम। 15 दिन की हमारी 12 लाख रुपए यूट्यूब इनकम बोल रहा हूँ। अच्छा तो गाइस ये देखो आप कमेंट से बताना कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है तुम मुझे बताओ। देखो करवा चौथ पे ये पहन के मैं चमक जाऊंगी क्योंकि देखो मैं अभी अभी शादी हुई है। मैं नहीं चमकूंगी तो तू कौन चमकेगा दूसरा? मेरी भी तो शादी हुई है अभी अभी। तुम तो ऐसे चमक जाओगे। तू भी ऐसे चमक जाती। लो चमकाओ अब तो यार। नहीं तू लग रहा आप खुश हो जाओ ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो माता माता इसको सद्बुद्धि दो। ला आशीर्वाद ले। मैंने तो पहले ले लिया। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? बहुत सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। बट ये मेरी पसंद है, मैंने किसी से ना पूछा नहीं। तुमसे दिखाया था, तुमसे दिखाया था, तुमने बोला हाँ ठीक है। तुम्हें मजाक लग रहा था ना मैं नहीं लूंगी। तो गाइस जैसा कि आपको पता है लखन को मजाक लग रहा था कि मैं नहीं लूंगी नहीं लूंगी, लेकिन फाइनली मैंने अपनी ज्वेलरी ले ली। ये सिर्फ 12 लाख की है ठीक है। तो ये मैंने अपने यहाँ पर रख दी। इसको हवा लगानी है, उन्होंने बोला ना थोड़ी हवा देनी है इसको। मैं बिल संभाल देती हूँ क्योंकि बिल तो काम आएगा ना, बिल तो हमें दिखाना होता है। चलो अब हम दूसरी चीज़ें दिखा दी क्या क्या और लेकर आए। गाइस अब लखन का फेस देख रहे हो कितना टेंशन में आ गए। लखन इतनी टेंशन में। जब मैंने ये रिंग ली थी ना, मैंने जब ये रिंग ली थी ना तब शादी का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारे खर्चे और भी थे, अपनी अपना लहंगा लेना, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब सारी मैंने अपने कपड़े बनाए और अपने घर वालों के, तो सब बर्डन हमारे ऊपर था। लेकिन एंड टाइम पर क्योंकि मुझे ऐसी रिंग चाहिए थी बहुत बड़ी सी, तो मैंने ये खरीदी थी। उस टाइम लखन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था क्योंकि यू नो होता है कि लखन को कुछ चाहिए मुझे कुछ चाहिए, तो हम लोगों का वो था कि चल ले लेना जो भी है। अभी आपने कुछ टाइम पहले हमारा व्लॉग देखा था जहाँ हम कह रहे थे कि हम थोड़ी सी सेविंग करेंगे, कुछ हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें जब बहुत सारा अमाउंट चाहिए होगा, तब ये हाल है नीतू का। तेरे नीतू एक बात तो बता दे मेरे को कि अरे वाह 1,12,000 का है। कितने का है? 1,12,000। अब देखो ये कहाँ रखा जाएगा। अभी 1,12,000 जो यहाँ पूखे हैं क्या अच्छा लग रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और हल्का सा भी होता है रुचि और वो दोनों में से किसी ने भी तोड़ दिया फिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं तू मत यार, इतने महंगे आइटम तू क्यों लाती, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तू क्या मैं रही हूं? इतना महंगा नहीं है। कितने का है? इतना महंगा वाला नहीं थी, वो सजाने के लिए बस। कितने का है ये? होगा 12-13 हज़ार का। अच्छा एक बात बता, अभी मॉल में उस दिन तू बहुत ज्ञान की बातें कर रही थी जब रोलेक्स की घड़ी की बात हो रही थी। मैंने और तूने लोगों को बताया था कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ हमें सेविंग्स की जरूरत है, हम पैसे सेव करेंगे, बात हुई थी ना? देखो मैं बताती हूँ क्या होता है ना, तुम अब शोरूम में जाते हो तुम्हारा मन करता है ये ले लूं वो ले लूं। जाती क्यों है? लड़कियों की एक वीकनेस होती है, अगर वो किसी भी गोल्ड शॉप में जाती है तो उनका मन करता है ये ले लो वो ले लो। तो मैं मम्मी के लिए तू योगा कर, तू अपने मन पे जी। लेट मी, तू मुझे बोलने नहीं देती हो। बोल। मैं मम्मी के लिए वो बैंगल्स लेने गई थी, मैंने अपने लिए ये रिंग ले ली थी ठीक है। तो ये होता है एक मेंटालिटी बन जाती है लड़कियों की, अगर वो किसी लड़कियों की लड़कों की बन जाती है। लड़के गोल्ड नहीं लेते, गोल्ड नहीं लेते कुछ और लेते हैं। अब कल को मैं जाऊँ ठीक है, तू समझ मैं कहीं पर गया, मैंने गाड़ी भिजवा दी, तू सोचेगी मैं ओला से आ रहा हूँ, पता चला मैं दूसरी गाड़ी से आ रहा हूँ नई गाड़ी से। फिर तुमने तो शोरूम जाके मैं क्या कह रहा हूँ, तो गोल्ड तूने भी ले लिया। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। अरे तू मेरी बात सुन, तुमने अपनी अपनी गाड़ी ली। देखो मैं चाहती थी हम एक सेडान ले। अच्छा सुनिए, नहीं लिसन, हम मैं चाहती थी हम एक सेडान ले, लेकिन तुमने बोला नहीं नहीं एसयूवी लेंगे बड़ी लेंगे। सेडान में सोती हुई आती है, इसमें सोती हुई आती है फिर ठीक है, मगर तुम्हारे कहने पर हमने सेडान वो ली ना एसयूवी। ये मेरे कहने पर लिया क्या यार? ज्वेलरी तुमने अभी गुची का इतने 36 शूज ले रखे, हर जगह तुम्हारे शूज ही शूज है। तू बैग नहीं लेती? मेरे तो कम बैग, जितने तुम्हारे शूज है उससे कम मेरे बैग। कितने का शू आता है और कितने का बैग आता है? बैग आता है 4-5 का और शूज आता है 3-4 का। पर ये हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी बात पे आप यकीन मत करना। कैसे थोड़े दिन पहले आके गुणगान कर रही थी अपने के हम सेव करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो 12 लाख का सेंस नहीं बनता तेरी कसम। मतलब सुन पता है 3-4 तक का ठीक है, 12 ना तूने एक्सट्रीम कर दिया। लखन यार अब तुम बताओ हम दोनों कमा किसके लिए रहे हैं? गोल्ड पहनने के लिए? अपनी जरूरत तो खुद ही पूरी कर रहे हैं। ये क्या जरूरत थी? नहीं तो जरूरत में नीड में और वांट में फर्क होता है। नीड होती है हमारी डेली बेसिक नीड्स। नीड और वांट तीनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं नीड और वांट, वांट होता है कि हमें चाहिए तो कुछ भी, लेकिन बात यह है कि हमें नीड है किस चीज की। नीड अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है जिसके लिए हम पैसे सेव कर रहे हैं, लेकिन करवा चौथ मेरा पहला है तो उसके लिए मुझे हैवी और अच्छी ज्वेलरी चाहिए थी। चल छोड़ दी। और ये है उसका बिल। ला ये है 12 लाख का बिल। तुम क्या करोगे देख के? फिर तो मुझे ताने दोगे। सुनो आज ना
हम दोनों अलग अलग रूम्स में सोएंगे, ठीक है, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। बाय बाय। सो लखन, तुम यही क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ, सही से रख रहा हूँ भाई। अच्छा लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। तू ऐसे बार मत छोड़ा करनी, तू यहाँ लेको मेरे को पहना दो। करवा चौथ पे गए तो बहुत बढ़िया है। करवा चौथ पे तुम मुझे ऐसे पहनाओगे? हाँ ऐसे पहना दूंगा। पहनाओ जल्दी। बढ़िया लग रहा है? खुश है तू? टाइट टाइट। खुश है तू? बहुत ज्यादा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चल मैं भी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश। तुम खुश तो नहीं लग रहे? खुश हूँ मैं, मतलब अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को 12 लाख का सेट देना ना तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं? 20 ये तो 12 है ना, वो भी आया नहीं, वो बन रहा है। अच्छा सुनो, इंडिया मैच जीतने वाली है। जीतेगी इंडिया? ये लो बिल चेक करो। 52,000 ये 60,000 और 52,000, तो ये तो इसका है ही नहीं बिल। तो ये ज्वेलरी भी इसकी नहीं है। किसकी है? समझे, तुम्हें इतना ही दिमाग नहीं है। ये ज्वेलरी अभी मैंने जो वो शूट किया था अपना ये माता वाला, दुर्गा माँ वाला, उसकी है ज्वेलरीज। ये नकली ज्वेलरीज है, तुम्हें इतना नहीं पता। तुम मतलब मुझे इतनी गौर से देखते ही नहीं हो? अच्छा नहीं देखता हूँ तुझे गौर से, मैं डाउट सा तो हो रहा था मेरे को। ये तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, इधर आके देख लो। क्या तुम्हें मेरे साथ प्रैंक कर सकते हो? ये सिर्फ एक प्रैंक था, मैंने ज्वेलरीज नहीं ली। इसमें कैसे रख के लाई है तू? ये तो मैंने नीचे मंगा लिया था निम्मी से बोल के कि निम्मी जल्दी आ जा नीचे दे दे मुझे। गाइस सबसे अच्छी चीज कि आज इंडिया मैच जीत गई, और दूसरी चीज नीतू ने मेरे को डरा ही दिया था यार। एक पल के लिए मेरे को लगा मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उससे, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की थी। मुझे लगा मतलब कैसे ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, वो जा रही है ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ जाके वो सब चीज़ें भूल गई। लेकिन ऐसा नहीं था, थैंक गॉड प्रैंक था। लेकिन प्रैंक का बदला मैं तो ज़रूर लूँगा भाई। आप लोग क्या करो, कमेंट में प्रैंक का बदला बोलोगे ना तो वो भी पढ़ती है कमेंट, उसको समझ आ जाएगा। आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो कि मुझे इस पर क्या प्रैंक करना चाहिए, क्योंकि मैं बदला तो लूँगा भाई। देखो चोट लगी है, ठीक है, आप लोग मेरा साथ दोगे ना, जान दे देंगे इसके लिए, तो मैं आपके सबके मैसेज का वेट करूंगा। ओके कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।